हेलो एवरीवन, दिस इज़ वेद। और आज हमारा ये दूसरा वीडियो है और आज हम वैद्युत आवेश के गुणों के बारे में व्याख्या करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पर। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में वैद्युत आवेश को डिफाइन किया था और उसके साथ साथ वैद्युत मात्रक के बारे में भी बताया था, वैद्युत आवेश के मात्रक के बारे में भी बताया था। आज हम आवेशों के गुण के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं इसके बारे में हम आज व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। इसमें पहला गुण क्या है कि एक आवेशित वस्तु एक अनावेशित अथवा उदासीन वस्तु को आकर्षित करती है। फिर से एक बात देखेंगे कि एक आवेशित वस्तु एक अनावेशित अथवा उदासीन वस्तु को आकर्षित करती है, इसका पहला गुण है। इसका दूसरा गुण है कि आकर्षण बल जो होता है वो दो आवेशित वस्तुओं के बीच अथवा एक आवेशित एवं एक अनावेशित वस्तु के बीच कार्य करता है। इसका अर्थ हो गया कि जो आकर्षण होता है वो या तो एक आवेशित तथा दूसरा अनावेशित वस्तु होगा उसके बीच कार्य करेगा, या फिर दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करेगा, देख रहे हैं। लेकिन जो प्रतिकर्षण बल होता है, प्रतिकर्षण बल सदैव दो आवेशित वस्तुओं के बीच ही कार्य करता है। ये समझ पा रहे हैं सभी लोग? हमने कहा कि आकर्षण बल जो होता है वो या तो एक वस्तु आवेशित होगा, दूसरा अनावेशित होगा, उसके बीच कार्य करेगा, या फिर दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करेगा आकर्षण बल। यानी कि जब विपरीत प्रकृति के आवेश हो तब आकर्षण बल कार्य करता है। दूसरा, जो प्रतिकर्षण बल होता है वो सदैव दो आवेशित वस्तुओं के बीच ही कार्य करता है। प्रतिकर्षण बल एक आवेशित अथवा एक अनावेशित वस्तु के बीच कार्य नहीं करता। या फिर दूसरे शब्दों में बात करें कि प्रतिकर्षण बल जो होता है आकर्षण बल की तरह एक आवेशित तथा एक अनावेशित वस्तु के बीच कार्य नहीं करता, वह सदैव दो आवेशित वस्तु के बीच ही कार्य करता है। इसलिए प्रतिकर्षण बल ही किसी वस्तु के आवेशित होने का सही प्रमाण है। जैसा कि नीचे लिखा गया है कि प्रतिकर्षण बल सदैव दो आवेशित वस्तुओं के बीच ही कार्य करता है। इस प्रकार प्रतिकर्षण ही आवेशित होने का सही प्रमाण है, ना कि आकर्षण। इतना समझ पा रहे हैं? फिर एक बार देखेंगे, आकर्षण बल दो आवेशित वस्तुओं के बीच अथवा एक आवेशित एवं एक अनावेशित वस्तुओं के बीच कार्य करता है, जबकि प्रतिकर्षण बल जो होता है वो सदैव दो आवेशित वस्तुओं के बीच ही कार्य करता है। इस प्रकार प्रतिकर्षण ही आवेशित होने का सही प्रमाण है। इसलिए सही प्रमाण है क्योंकि प्रतिकर्षण जो बल होता है वो सदैव दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करता है। प्रतिकर्षण बल सदैव दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करता है। इसके विपरीत जो आकर्षण बल होता है वो एक आवेशित तथा एक अनावेशित वस्तु के बीच, मतलब न्यूट्रल बॉडी के बीच कार्य करता है, या फिर दो आवेशित वस्तुओं के बीच वो भी कार्य करता है। इसलिए यहाँ पर प्रतिकर्षण बल ही किसी वस्तु के आवेश होने का सही प्रमाण है। अगली बात करते हैं आगे। अगला है कि विद्युत आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं तथा दोनों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसा कि हमने पूर्ववत बताया था कि विद्युत आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं तथा दोनों की प्रकृति क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे कि या तो क्या होगा कि एक वस्तु ऐसे लेते हैं, अगर इस पर प्लस प्लस है और दूसरा माइनस माइनस है, माइनस माइनस है, तो इनके बीच जो होगा, जो बल कार्य करेगा वो आकर्षण का होगा, इनके बीच आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि प्रकृति जो है इनके बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है,
विपरीत है, ये माइनस माइनस है और ये प्लस प्लस है। जबकि जो आकर्षण बल होगा, जबकि जो प्रतिकर्षण बल होगा वो समान प्रकार के आवेशों के बीच कार्य करता है। जैसे कि प्लस प्लस एक वस्तु हो और दूसरा भी प्लस प्लस हो, या फिर ये प्रतिकर्षण है इन दोनों बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण लगेगा। प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। आकर्षण बल सदैव दो विपरीत प्रकार के आवेश के बीच कार्य करता है, और जो प्रतिकर्षण बल होता है वो सदैव दो समान प्रकार के आवेशों के बीच कार्य करता है, यानी जिसकी प्रकृति समान हो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। या फिर हम कह सकते हैं ये अभी माइनस माइनस हो, दोनों माइनस माइनस, ये भी माइनस माइनस हो, तो इनमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षण लगेगा। अगला क्या है, अगली जो प्रॉपर्टी है, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसा कि हमने इसके ऊपर लिखा है। अगला क्या है, किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति बताने के लिए स्वर्णपत्र वायुदर्शी उपकरण का प्रयोग किया जाता है, गोल्ड लीफ ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है ये बताने के लिए एक उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है स्वर्णपत्र वायुदर्शी। स्वर्णपत्र वायुदर्शी उपकरण से हम पता लगा लेते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश है कि नहीं है। हेलो दोस्तों, तो फिर अगली प्रॉपर्टी के बारे में चलते हैं, देखते हैं कि विद्युत आवेश की अगली प्रॉपर्टी क्या है। जैसे कि है इसमें यहाँ पर कि विपरीत आवेश जो होते हैं एक दूसरे के संपर्क में आने पर एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, इसलिए अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों को धनात्मक एवं ऋणात्मक नाम दिया। यानी कि जो विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं जब वो एक दूसरे के समीप आते हैं तो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इसी कारण अमेरिकी वैज्ञानिक कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों को धनात्मक एवं ऋणात्मक नाम दिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं इसी कारण कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन बताया गया है और सबसे बड़ा मात्रक क्या बताया गया है, फैराडे। अगला क्या है, समानतया वस्तुएँ जो होती हैं वो विद्युत उदासीन होती हैं क्योंकि उनमें आवेश संतुलन की अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे कि अगर वस्तु को हम रगड़ेंगे नहीं तो उस पर आवेश कैसे आएगा, या फिर उसको कोई ऊर्जा नहीं देंगे, तो इसके पहले जो होता है जब आवेश पर कोई क्रिया ना हो, सॉरी जब जब किसी वस्तु पर कोई क्रिया ना हो तो वस्तुएं जो होती हैं वो विद्युत उदासीन होती हैं और उनमें जो था आवेश होता है वो संतुलन की अवस्था में पाए जाते हैं, और जैसे कि न्यूट्रल बॉडी होती है यानी उदासीन वस्तुएँ। तो चलिए अगली प्रॉपर्टी के बारे में चलते हैं, क्या है कि जो परमाणु अथवा वस्तु इलेक्ट्रॉन खोती हैं उस पर धनावेश तथा जो ग्रहण करती हैं उस पर ऋणावेश आ जाता है। जैसे कि कोई वस्तु अथवा परमाणु है, अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही हैं तो उस पर ऋणावेश आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम, अगर कोई वस्तु है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो केवल प्लस प्लस बचेंगे, इस प्रकार से दर्शाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन रहेंगे लेकिन बहुत कम रहेंगे। तो धनात्मक जब इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो धनावेश की बहुलता आ जाएगी, तो हम जब धनावेश की बहुलता उस पर आ जाएगी तो हम उस वस्तु पर प्लस प्लस करके दर्शाते हैं। इसी प्रकार अगला क्या है, जो ग्रहण करती है उस पर ऋणावेश आ जाता है। जैसे कोई वस्तु है अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो उस वस्तु पर हम ऋणावेश को दर्शाते हैं माइनस माइनस करके, इस प्रकार से। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि जो गतिमान आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, मतलब अगर आवेश स्थिर है तो उसके कारण, अगर आवेश स्थिर है गतिमान नहीं है, अगर आवेश स्थिर है किसी वस्तु पर गतिमान नहीं है उसमें, तो स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और अगर आवेश गतिमान है
तो उसके कारण वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। जैसा कि यहाँ पर फिर से लिखा गया, देख लीजिए कि एक स्थिरावेश अपने चारों ओर केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे क्या है, यदि आवेश नियत वेग से गतिमान है तो वह केवल विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जब अगर वो नियत वेग से गतिमान नहीं है, त्वरित वेग से गतिमान है, ठीक है, त्वरित आवेश हो उसमें, तो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण तीनों उत्पन्न करता है वो। ठीक है गाइस, फिर एक बार बात करते हैं कि अगर आवेश स्थिर है किसी वस्तु पर, तो उसके कारण अगर किसी वस्तु पर आवेश स्थिर है तो उसके कारण केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, अगर आवेश गतिमान है तो उसके कारण वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। लेकिन गतिमान आवेश की स्थिति में वहाँ पर दो स्थितियाँ बनती हैं, अगर आवेश नियत वेग से गतिमान है तो वहाँ पर वैद्युत एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न होंगे, और अगर त्वरित आवेश हो अर्थात त्वरित वेग से गतिमान है तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण तीनों उत्पन्न होता है, जैसा कि हमने दिखा है। आगे देखो क्या है, यहाँ पर दिखाए हैं, देखो जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया है कि देखिए यहाँ पर V इक्वल जीरो अर्थात आवेश जो होता है वो गतिमान नहीं है, किसी वेग से गतिमान नहीं है, V इक्वल जीरो मतलब उसका जो वेग है जीरो है, अर्थात वो वस्तु पर जो आवेश है वो गतिमान नहीं है अर्थात स्थिर है, तब उसके कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, ई का अर्थ होता है वैद्युत क्षेत्र। जब आवेश स्थिर है अर्थात उसका वेग जीरो हो, वो गतिमान नहीं है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न होता है, और यदि वो नियत वेग से गतिमान है, देखो यहाँ पर लिखे हैं वी इक्वल नियत है, तो वैद्युत क्षेत्र ई व चुंबकीय क्षेत्र बी दोनों उत्पन्न होता है, और यदि वो एक समान वेग से गतिमान नहीं है, नियत वेग से गतिमान नहीं हो, त्वरित वेग से गतिमान हो, देखो वी इज नॉट इक्वल और वेग क्या है, डिफरेंट हो, हर स्थिति में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर, तो वहाँ पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण जो ऊर्जा है वो तीनों उत्पन्न होता है वहाँ पर,